पर्दा करने वाली औरतों की कई किस्में होती हैं। एक किस्म तो उनकी है जो सिर्फ अपने रिश्तेदारों से पर्दा करती हैं। ना महरम मर्दों से उन्हें कोई हिजाब महसूस नहीं होता। दूसरी किस्म उनकी है जिनका पर्दा अपनी गली के मर्दों तक महदूद है। सारे शहर में पर्दा दर बगल या पर्दा बदोश फिरती रहेंगी, लेकिन गली में दाखिल होते ही पर्दा पोश हो जाएंगी। लेकिन खतरनाक किस्म उन औरतों की है जो पर्दा करती हैं लेकिन दर पर्दा नहीं करती। हम औरत उसी को समझते हैं जो हमारे घर की हो, बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती, बस गोश्त की दुकान होती है और हम उस दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह होते हैं जिनकी हवस सदा नजर हमेशा गोश्त पर टिकी रहती है। मैं उस माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ हम आईने का सामना सिर्फ शक्ल देखने के लिए करते हैं। मिंटू कुछ रोज पागल खाने में रहकर आए तो यार दोस्त मजाक कुर्सी के लिए उनके हाँ आए तो मिंटू ने बहुत हसरत से सबको मुखातिब करते हुए कहा, भाइयों छोटे पागल खाने से निकलकर बड़े पागल खाने में आ गया हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा सच शराब खाने में शराब पीकर बोला जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ अदालतों में मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर बोला जाता है। अगर वो है जिसका वास्ता देकर तुम चंदे इकट्ठे करते हो और महल बनाते हो तो उससे मांगो, चंदा लोगों से क्यों मांगते हो। बड़ा दुख होता है कि महज़ब दुनिया जिल्लत की दलदल में धंस गई है। साइंस की तरक्की जारी रही है लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी का एहसास कम होता चला गया है। नोई इंसानी जहां थी वहीं की वहीं खड़ी है और नस्ली इम्तियाज और मजहबी अदावत बढ़ गई है। मर्द भी क्या चीप चीज है, बीवी में तवाइफ जैसी अदाएं और तवाइफ में बीवी जैसी वफादारी तलाश करता है। मेरी समझ में नहीं आता कि औरतों की नफ्सियात क्या है। जब उनसे प्यार किया जाए तो घबरा जाती हैं और जब जरा बेएतनाई बरती जाए तो बरहम हो जाती हैं। मोहब्बत तो जज्बों की अमानत है। फकत बिस्तर की सलवट सीधा चादर पर गुजारे जाने वाले चंद बदबूदार लम्हे मोहब्बत नहीं कहलाते। दुनिया में जितनी लानते हैं भूख उनकी माँ है। बेटी पैदा करना कोई नहीं चाहता लेकिन बिस्तर पर औरत सब चाहते हैं। अगर ये माशरा कोठों पर जाने वाले बेगैरत और शहवानियत से भरे लोग पैदा कर सकता है तो इस माशरे से रंडी पैदा करने पर हैरानगी क्यों होती है। जब तक खरीदार मौजूद होंगे बाजार में माल आता रहेगा। बाबे ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा कि दुख तो इस बात का है कि जिंदगी कुत्तों वाली मिली और हिसाब इंसानों वाला देना होगा। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और नए आने वाले व्यूअर्स मेरी चैनल सुमर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अल्लाह हाफिज़।